आज मैं क्रेजी एक्स वाई जेड के किस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ ये तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, तो चलिए पहले उनकी एक क्लिप देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। भाई साहब बारिश का मौसम हो रहा है फिलहाल, ठंडी भी हो रखी है, लेकिन आज हम आपको ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जिसका मजा इस मौसम में और ज्यादा बढ़ जाने वाला। क्यों, चाय पकौड़े और समोसे दिखाने वाले हो क्या आप? गाइस आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा पराठा। अच्छा, यानी कि मेरा अंदाजा करीब करीब सही था। और बारिश आ रही थी, भूख भी हमको लगी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ नई चीज आज दिखाई जाए। गाइस तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम आ चुके हैं, लिखा हुआ है 32 इंच पराठा। अच्छा, तो आपने सोचा कि आप वहाँ पराठे खाओ और हमें बस वीडियो में दिखाओ, ताकि हम यहीं से देखकर सोचे ओ वाओ काश हम भी खा पाते। 3 फीट, ठीक है, 3 फीट का पराठा हम आज आपको दिखाने वाले हैं, खिलाने वाले हैं। क्या बोल रहे हो आप, मतलब क्या आप वीडियो से पराठे निकाल कर हमें खिलाओगे क्या? जिनको नहीं पता फिर से बताता हूँ, हम लोग है पिंक सिटी यानी कि जयपुर में। हमें कैसे नहीं पता होगा, अभी तो आपने कुछ सेकंड पहले इस वीडियो के अंदर ही बताया था। हाँ, पर जो है ये फोटो बनी हुई है, हम इसके अंदर जैसे घुसे 3-4 यहाँ पर थालियाँ लगी हुई है, उसके ऊपर जो है फोटोज बनी हुई है। लोगों को फंसाने के लिए हर रेस्टोरेंट वाले ऐसे ही पिक लगाते हैं। होता है साइज में, मतलब सबसे बड़ा आपके पास में सबसे बड़ा पराठा होता है 32 इंच का। ये तो बाहरी बोर्ड पर लिखा हुआ था कि 32 इंच का पराठा है, अब आप पूछोगे तो क्या ये 64 इंच का कर देंगे क्या? और भैया आ गए हमारे साथ, भैया आपका नाम क्या है? सुमित शर्मा। सुमित शर्मा है, तो हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, जो बेसिक है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे सवाल है कि ये जो पराठा है आपका, ये जो 32 इंच वाला है, ये सबसे पहले कितने तो रुपए का मिलता है, इसकी जो भी डिटेल है वो बताओ। बेचारे की इंटरव्यू स्टार्ट। ओहो गाइस देखो, इतने में बहुत सारी रोटियां बन जाती है। बस इतना सा आटा, ये तो बहुत कम है यार। पनीर डल चुका है, कितना मसाला डलता है वेट में लगभग, इसमें कितना किलो मसाला डलेगा या कुछ ग्राम? कम से कम इसके अंदर 2.5 किलो मसाला डलता है। 2.5 किलो मसाला, ये सब देखने में तो बहुत कम ही लग रही, मतलब 32 इंच के हिसाब से आटा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, हो सकता बनने के बाद परफेक्ट बने। बनाने का तरीका तो एकदम कमाल है। वाह, थाली तो आ गई, लेकिन मुझे ये थाली पता नहीं क्यों छोटी लग रही है, नापना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि नापने के बाद ही इसका सही पता चलेगा कि ये सच में इतनी बड़ी है भी या नहीं। दिखने में तो अच्छा है, लेकिन खा कर बताओ। जो साइज है वो यार कुछ ज्यादा नहीं है। नहीं भाई, मुझे तो शक है कि ये 32 इंच का भी नहीं है। और भाई साहब वेट है इसके अंदर, भैया कितना वजन होगा? 8-10 किलो है टोटल, है ना? थाली का वजन है अमित भाई, पराठे का वजन नहीं है। पराठे को उठा करके दिखाते हैं आपको एक बार, वैसे कटा हुआ है। कटे हुए पराठे को उठाकर क्या करोगे? हमारा काम है जैसा हमको लगा वैसा कहना, अगर मैं झूठ में आपको बोलूंगी बहुत स्वाद है, बहुत टेस्टी है, तो क्या मतलब है? ठीक है, अच्छा है, खराब नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन साइज बड़ा है, कुछ यूनिक वाली फीलिंग जो है ये चीज जरूर से देती है। चलो ये वाली बात तो आपने एकदम सच बोली। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये एक रिएक्शन वीडियो है, ये रोस्ट नहीं है, मैंने क्रेजी एक्स वाई जेड को रोस्ट नहीं किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में।